नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सीएम और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की दिशा के लिए याचिकाकर्ता ने कोई प्रार्थना नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सीएम को एक मौका दिए बिना आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला बताया। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को एक पत्रकार की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के संबंध में दर्ज मामला रद्द कर दिया था। साथ ही सीबीआई को पत्रकार की याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। अधिक जानकारी के लिए शैली श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। शैली, राहत भरी खबर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए, क्या कुछ पूरी जानकारी अभी? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश मुख्यमंत्री के खिलाफ दे दिए थे और लगातार प्रदेश में ये मामला तब से गर्मा गया था और इसको लेकर जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो आज एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली है। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर फिलहाल रोक लगा दी है और साफ तौर पर जो हाईकोर्ट का निर्णय था उस पर कहीं ना कहीं हैरानी भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी, तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि भाजपा कल ही इस फैसले से पूरी तरीके से असंतुष्ट दिखाई दे रही थी और जिस तरीके से भाजपा के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कल जिस तरीके से बोला कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरीके से असंतुष्ट है और उन्होंने गलत इसको बताया था और जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा था कि जो न्यायालय का मामला है उसको पूरी तरीके से उसका अध्ययन किया जाएगा और जो सच्चाई होगी वो सबके सामने आ जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत यहाँ पर सरकार को मिली है। जी मुख्यमंत्री, जिस साफ तौर पर कहा था कि आरोप फर्जी हैं, आधारहीन हैं और अब कोर्ट ने जो है 4 हफ्ते का समय भी दिया है, क्या कुछ रुख उनकी ओर से देखा गया? बिल्कुल, देखिए कल साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये न्यायालय का मामला है और जो जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया पूरा अध्ययन उस फैसले का किया गया और पूरे तथ्य उस फैसले के निकाले गए, जिसके बाद जब अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए भी कही जा सकती है, साथ ही सरकार के लिए भी कही जा सकती है। क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री साफ कर चुके थे कि जो भी सच्चाई होगी मामले में, जो भी सच होगा वो सबके सामने आ जाएगा। बाकी चलिए, बहुत शुक्रिया शैली जानकारी को साझा करने के लिए।